हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आई पंत के धर्मगुरु दीवान के ज्येष्ठ पुत्र और युवक कांग्रेस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय मोहब्बर सिंह निबोल के निधन पर संवेदना प्रकट की। जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बिलाड़ा और निबोल में शोक सभाओं में शामिल हुए। उन्होंने बिलाड़ा में आई माता जी मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जोधपुर पहुंचे और यहां भी अनेक शोक सभाओं में शामिल हुए। दोपहर बाद मंत्री शेखावत दिल्ली रवाना हो गए। भाजपा जोधपुर संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मिड़तिया ने बताया कि जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के साथ शनिवार को सुबह करीब 8 बजे जोधपुर से सड़क मार्ग से रवाना होकर पहले बिलाड़ा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत आई पंत के धर्मगुरु एवं पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण सिंह के निधन पर शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने लक्ष्मण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व मंत्री दीवान से मिलकर पुत्र के निधन पर संवेदना प्रकट की। इसके बाद निम्बोल जाकर राजस्थान युवक कांग्रेस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय मोहब्बर सिंह निबोल के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना जताई। जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, जिला देहात उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, रायकाबाग मंडल अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह शेखावत, बिलाड़ा देहांत मंडल अध्यक्ष कमलेश चौधरी, सुनील विश्वही, जोधपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़, पिछयाएक सरपंच माधोराम सिरवी, बिलाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह हाम्बड़, शिवराज सिंह खेजडला, एडवोकेट गंगा सिंह भाटी, राकेश माचरा, महेंद्र झाकड़ सहित अनेक गणमान्य लोग इस दौरान साथ रहे। दोपहर करीब 1 बजे जोधपुर पहुंचे और निवास पर आमजन से मुलाकात की। बाद में शहर में शोक सभाओं में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत दोपहर 3 बजे दिल्ली रवाना हो गए। जागरूक टीवी के जोधपुर से खास रिपोर्ट।